नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल क्रैक योर एग्जाम में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल सम एंड C9 रूल, इसका पार्ट टू। इसके पहले पार्ट वन में हम देखे थे किस तरीके से बड़ा सिंप्लीफिकेशन को हम लोग 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल सम टेक्निक। तो आज वही वीडियो का पार्ट टू है। जैसे कि हम बोले थे कि पार्ट टू में हम लोग देखेंगे बड़ा बड़ा डिवीजन जो रहता है, परसेंटेज हो या डेसिमल हो या नॉर्मल डिवीजन हो, वैसा 5 डिजिट 6 डिजिट वाला जो डिवीजन है उसको हम लोग किस तरीके से 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखे थे, इसके पहले जो पार्ट वन था वो आप नहीं देखे थे, तो इस वीडियो की लास्ट में उसका लिंक मिलेगा, तो आप वो एक बार देख लीजिएगा। और अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि आपको इधर दिखाई दे रहा है कि एक क्वेश्चन हमने इधर दिए हैं सैंपल के रूप में कि सॉल्व विद इन 10 सेकेंड। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जॉब। इसको अगर आप नॉर्मली सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये 3, 3, 6 डिजिट का 7 डिजिट का है और साथ में कुछ इंटू है, ऊपर से डिवाइड भी है, तो इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड के अंदर करने में आपको अगर प्रॉपर शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं पता है तो आप नहीं कर पाइएगा। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड पे कीजिएगा तो इसको आपको एटलीस्ट 2 मिनट लग जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन भी कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम इन डिवीजन। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए हम थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कि डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम होता है एक नंबर का डिजिट को आप तब तक जोड़ो जब तक आपको 1 ना मिले। फॉर एग्जांपल, अगर 21 है तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 2+1=3। अगर 67 है तो डिजिटल सम क्या होगा, 6+7 यानी 13, 13+1=3 यानी 4। इसका मतलब आपको तब तक जुड़ना है जब तक आपको 1 ना मिले। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम इन डिवीजन। तो डिवीजन में हम लोग डिजिटल सम का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी डिवीजन क्वेश्चन होगा, डिवीजन में आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन रहता है, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहा जाता है। तो इन द केस ऑफ डिवीजन वी हैव टू कन्वर्ट डिजिटल सम, ऑफ द डिनोमिनेटर, नीचे हर में जो रहेगा उसका जो डिनोमिनेटर है उसको 1 में कन्वर्ट करना है इनटू 1 बाई मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सुइटेबल नंबर, देखिए एक फ्रैक्शन को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप केवल डिनोमिनेटर यानी नीचे हर को नहीं कर सकते, साथ में आपको ऊपर में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका मेन लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य यह है कि नीचे यानी डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम है उसको 1 करना है। अब क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, ये हम लोग देखेंगे। अब देखिए, आफ्टर कन्वर्टिंग द डिजिटल सम ऑफ द डिनोमिनेटर इनटू 1, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका जो डिजिटल सम है उसको 1 में कन्वर्ट करने के बाद जो ऊपर में रहेगा न्यूमरेटर में, तो उसका जो डिजिटल सम है वही होता है क्वेश्चन का आंसर। देखिए, आफ्टर क्वेश्चन का आंसर मतलब आंसर का डिजिटल सम। देखिए, आफ्टर कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर इनटू 1 द डिजिटल सम ऑफ द न्यूमरेटर विल बी द डिजिटल सम ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का डिजिटल सम। मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका जो डिजिटल सम है, आफ्टर कन्वर्टिंग द डिजिटल सम ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसका जो डिजिटल सम है उसको 1 में कन्वर्ट करने के बाद जो न्यूमरेटर का डिजिटल सम है वही होगा फ्रैक्शन का डिजिटल सम। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। हाउ विल यू कन्वर्ट द डिजिटल सम ऑफ द डिनोमिनेटर इनटू 1। अब देखिए इधर जो लिखा है, रिमेंबर द फॉलोइंग, आपको ये याद रखना है। अब क्या याद रखिएगा, देखिए इसमें कुछ फ्रैक्शन हमने लिखे हैं 1/5, मतलब कोई भी फ्रैक्शन के नीचे डिजिटल सम अगर 5 होता है, ये 5 मतलब ये फ्रैक्शन नहीं है, ये डिजिटल सम की एंगल से हम लोग देख रहे हैं, डिजिटल सम की नज़रिया से हम लोग देख रहे हैं। जो भी नंबर था, मान लीजिए नीचे आपका ऊपर में कुछ नंबर था
37, नीचे था 41। मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम है, ये 4+1 क्या है 5। अगर ऐसा होता है, अगर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन और उसका डिजिटल सम अगर आपको 1 होता है, 5 होता है, तो क्या करना पड़ेगा ना, इसका ऊपर नीचे आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर में 5 मिलता है तो ऊपर नीचे आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 2 से इंटू करने से 5 × 2 = 10 यानी 1+0 आपको 1 मिल जाएगा, यानी डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 हो जाएगा। सेकेंड, अगर नीचे 2 रहता है तो ऊपर नीचे हमको 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 5 और 2 ये एक दूसरे का रिवर्स है। अगर नीचे 2 रहेगा तो ऊपर नीचे 5 से इंटू होगा, और अगर नीचे 5 रहेगा तो ऊपर नीचे 2 से इंटू होगा, याद रखिएगा। अब आते हैं अगर नीचे 4 रहेगा, तो याद रखिएगा अगर डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 4 है तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि 4 × 7 = 28, 28 मतलब 2+8 = क्या होता है, 2+8 = 10 = 1 होता है। और अगर नीचे 7 है तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये 7 और 4, 7 और 4, दे आर वाइस वर्सा, यानी 7 रहेगा तो ऊपर नीचे 4 से इंटू होगा, और 4 रहेगा तो ऊपर नीचे 7 से इंटू होगा। अब आते हैं 1/8, अगर नीचे 8 है तो आपको डिनोमिनेटर को 1 करना है। तो याद रखिएगा 8 + 8 = 64, यानी 6+4 = 10, यानी 1 होता है। तो 8 रहने से ऊपर नीचे आपको 8 से इंटू करना पड़ता है, तब जाके आपको नीचे यानी डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम है वो 1 आएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये आपको समझ में आएगा जब हम इसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आने वाला स्लाइड में आपको मिलेगा। और देखिए इस तरफ, डिजिटल सम ऑफ द डिनोमिनेटर, अगर नीचे का डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 9 होता है, 6 होता है और 3 होता है, तब क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 9 होता है ना, तो आपको फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ओरिजिनल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, इसको हम इधर साइड में लिख देते हैं, आप याद रखिएगा, ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, इसको आपको 9 से डिवाइड करना है। और अगर डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 6 आता है तो ऊपर और नीचे आपको 3 से डिवाइड करना है, और अगर नीचे 3 आता है डिनोमिनेटर का डिजिटल सम तो ऊपर नीचे आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही याद रखिए कि नीचे यानी डिनोमिनेटर में मेरा डिजिटल सम जो है उसको 1 करना है, लेकिन क्वेश्चन में जो रहेगा वो 1 ना रहने का ही चांस ज़्यादा है। डिजिटल सम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 5 है तो उसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके 5 × 2 = 10 यानी 1 होगा। और अगर नीचे 2 है तो ऊपर नीचे आपको 5 से इंटू करना है, तब जाके आपका नीचे यानी डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 5 × 2 = 10 यानी 0+1 = 1 होगा। तो 2 और 5 याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा 4 और 7, नीचे 4 है तो 7 से ऊपर नीचे गुना करो, और नीचे 7 है, 7 है तो ऊपर नीचे 4 से गुना करो, तो 4 और 7, और 8 अगर नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में तो ऊपर नीचे आपको 8 से इंटू करना है। सो दैट 8 = 64, 6+4 = 10, दैट इज 0+1 = 1। नेक्स्ट, अगर डिजिटल सम ऑफ द डिनोमिनेटर 9 होता है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 9 से डिवाइड करना है, और अगर नीचे यानी डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 6 या 3 होता है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को 3 से डिवाइड कीजिएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। अब इस स्लाइड में आप देखिए 3 क्वेश्चन है, ये डिवीजन के ऊपर बेस करके। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 20 सेकंड के अंदर, एक्चुअली 20 सेकंड भी नहीं लगता है, अगर आपको सही प्रोसेस पता है तो आप 10 सेकंड के अंदर के सॉल्व कर सकते हो इसको। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 408 into 3058 डिवाइडेड बाई 9452। अब बोलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ये देख रहे हैं कि आपका एक डिवीजन है, 3 digit into 4 digit by 4 digit, सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। फर्स्ट यू सी, हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे प्रत्येक टर्म का। ये 8 और 4 = 12, 12 = 3, ये 5, 8, 13, 3, 16 = 7।
तो ऊपर में 3 7 21, 21 मतलब 2+1 3, नीचे 9 को काट देते हैं, इसको काट देते हैं, नीचे क्या है 2 है, तो ये 3/2। क्योंकि 9 को क्यों काटते हैं, जो लोग पहला बार ये वीडियो देख रहे हैं आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, 9 के साथ कोई भी नंबर जुड़ने से जो रिजल्ट होता है उसका डिजिटल सम, जो नंबर को आप जुड़ते हैं वही नंबर का डिजिटल सम होता है। सपोज हम 9 के साथ अगर 12 ऐड करते हैं तो 12 और 9 क्या होता है 21, 21 का 2+1 3, देखिए 12 का भी 2+1 3। अगर हम 54+1+7 ऐड करते हैं तो क्या होता है 61। तो देखिए दोस्तों 54 मतलब 4+5 9, तो 9 के साथ जब हम 7 ऐड कर रहे हैं तो मेरा रिजल्ट का डिजिटल सम 7 आ रहा है, यानी 9 को हम एडिशन केस में 0 मान सकते हैं, 9 को हम एडिशन केस में 0 मान सकते हैं। तो देखिए इधर अल्टीमेटली जो डिनोमिनेटर है उसका डिजिटल सम 2 था। अब हमको पता है क्या कि अगर नीचे 2 है तो ऊपर नीचे 5 से इंटू करना है, क्योंकि आपको नीचे यानी डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम है इसको 1 बनाना है। तो चलिए इसका ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, जैसे कि आप 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर में 3 5 15 यानी 6 हो गया और 5 2 10 यानी 1 हो गया। तो आपका जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब देखिए इसमें डिजिटल सम क्या है, इसमें 3 है। हम 4 और 5 9 को किस लिए काटे हैं, क्योंकि ऐड करने के टाइम 9 को हम 0 मानेंगे। अगर आप नॉर्मली ऐड कीजिएगा तो भी देखिए 5 3 8 4 12 12 मतलब 3 ही आएगा। ये कुछ शॉर्टकट प्रोसेस है, ये जो लोग नहीं देखे पार्ट 1 वो देख लीजिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 3 7 और 1 8, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 5 5 10 यानी 1। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है उसका डिजिटल सम 6 है, जो आंसर में आपका ऑप्शन बी का है, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए ये 5 digit × 5 digit / 3 digit, ये एक बहुत ही बड़ा डिवीजन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में कभी देता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए ही देगा इस क्वेश्चन। देखिए डिवाइड करना कैंसिलेशन करना सबको आता है, लेकिन एग्ज़ाम में इसको कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व करते हैं तो आपको और 2 क्वेश्चन का टाइम छूट जाएगा, 3 क्वेश्चन का टाइम आपको छूट जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं तो ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप 2 3 क्वेश्चन और कर सकते हैं, और तभी आपका सिलेक्शन के लिए आपको और 2 कदम आगे लेकर जाएगा, क्योंकि हर एक सेकेंड मैटर करता है ऑनलाइन एग्जाम में, हर एक सेकंड मैटर करता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन जो है 1 7 8 8 5 × 6 0 2 9 2 / 5 1 1। तो चलिए इसका डिजिटल सम हम निकालते हैं, जहां 9 मिलेगा उसको हम 0 मान लेंगे, काट देंगे, तो 8 5 13 13 7 20 20 यानी इधर 2 होगा। अब देखिए दोस्तों ये 9 काट दिए, 6 2 8 2 10 10 मतलब 1, यानी न्यूमरेटर में मेरा डिजिटल सम अल्टीमेटली 2 1 इज़ 2। अब डिनोमिनेटर में देखिए 5 1 6 6 और 1 7, तो नीचे मेरा क्या आया है 7 आया है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब नीचे डिजिटल सम 7 रहता है तो ऊपर नीचे हम लोग किससे इंटू करते हैं, 4 से इंटू करते हैं। तो ऊपर नीचे अगर 4 से इंटू करेंगे तो ऊपर में तो 8 आएगा, नीचे 4 7 28 यानी 8 + 2 10 यानी 1। तो देखिए दोस्तों मेरा जो क्वेश्चन है उसका जो डिजिटल सम है वो कितना आया, वो 8 आया। अब मेरा ऑप्शन में से वही ऑप्शन चूज़ करना है कि जिसका सम ऑफ द डिजिट यानी डिजिटल सम 8 आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों ये 2 2 4 4 3 7 2 9, मतलब ये तो 9 है और बाकी 0 है। अब देखिए 2 2 4 4 2 6 6 2 कितना 8, ये देखिए 4 और 5 9, इसको काट दीजिए, 8 6 14 14 7 21 21 मतलब 2+1 3, ये 4 5 9 काट दीजिए, 6 3 9 काट दीजिए, ये होगा 7। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन में जो है उसका डिजिटल सम क्या है, 8 है। तो ऑप्शन बी में आपका सम ऑफ द डिजिट जो है डिजिटल सम वो 8 है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखिए इतना बड़ा जो डिवीजन है इसको हम लोग विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये अप्रोच पता है तो। और दोस्तों एक चीज़ हम बता देते हैं, जब भी आप कोई नया प्रोसेस सीखिएगा, नया टेक्निक सीखिएगा, नया ट्रिक सीखिएगा, इसका जो ड्रॉबैक्स है वो भी आपको जानना पड़ेगा, इसका लिमिटेशन क्या है। जब भी आप कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं, आपके हाथ में कोई नया शस्त्र आ रहा है, तो उसका लिमिटेशन भी आपको जानना पड़ेगा, कहाँ आप उसका प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि गलत जगह पे प्रयोग करने से आपका उल्टा रिजल्ट आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये डिजिटल सम का जो लिमिटेशन है, इसका जो ड्रॉबैक्स है, ये भी हम आपको बताएंगे आज की क्लास में। हम डिजिटल सम यूज़ करके कैसे वेरियस क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते ये बताएंगे। अगला इसका जो लिमिटेशन है, कहाँ हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, और जहाँ यूज़ नहीं करेंगे उधर हम क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे 10 से 15 सेकंड के अंदर, ये भी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसका लिंक आपको इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगा। तो
उस पे आप देखिएगा कि इसका लिमिटेशन क्या है, कहाँ इसका यूज़ आपको नहीं करना है, और जहाँ नहीं करना है तो उधर आप क्या कीजिएगा, उधर क्या आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कीजिएगा, तब तो आपको 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन उधर भी 20 सेकंड के अंदर करने के लिए आप क्या कीजिएगा वो भी हम बताएंगे आपको। पहले आज का क्लास को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और वीडियो को डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन में जो बोला है कि 2633816 इंटू 2^5 डिवाइडेड बाई 4637। तो देखिए ये भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। ये 7 डिजिट इंटू 2^5 मतलब क्या है, 32, नीचे 4 डिजिट, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन का मेरा सम ऑफ द डिजिट, डिजिटल सम क्या है, जहाँ मेरा 9 मिल रहा है उसको काट देना है, जहाँ जहाँ 9 मिलेगा उसको काट दीजिए, केवल इधर 2 है। और 2^5 मतलब क्या है दोस्तों, 2^5 मतलब होता है 32, तो 32 मतलब 3 और 2 क्या है, 5। तो इधर आपका 2 रहेगा और इधर 5 रहेगा, यानी ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा 1, ऊपर में जो है वो 5 × 2 = 10 यानी 1। नीचे क्या रहेगा दोस्तों, 6 और 3 = 9 और 7 और 4 = 11, 11 मतलब 1+1 क्या है, 2। तो नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा 2। तो नीचे 2 है, हम लोग जानते हैं कि नीचे अगर 2 रहता है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग 5 से इंटू करेंगे। तो ऊपर नीचे जैसे हम 5 से इंटू करेंगे तो 5 और 2 × 5 = 10, तो नीचे मेरा 1 आ गया। तो अल्टीमेटली मेरा इस क्वेश्चन जो है इसका डिजिटल सम क्या है, 5 है। तो मेरा वही आंसर चुनना है कि जिसका डिजिटल सम 5 होता है। तो चलिए देखते हैं, ये 8 1 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 7 7 7 14 यानी ये 5 है। अब देखिए सभी ऑप्शन को आपको इंडिविजुअली जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगर मैक्सिमम डिजिट सिमिलर है तो जो डिजिट चेंज होता है केवल उसके अनुसार आप कीजिए। जैसे देखिए ये 8 1 8 1 7 6 है, ये 1 8 1 7 5 है, मतलब एक डिजिट घटा है, तो ये कितना होगा, 4 होगा इसका डिजिटल सम। अब इसके साथ इसको देखिए, ऑप्शन ए के साथ, अब ऑप्शन सी को देखिए, ये आपका 1 के बदले इधर 2 आया है और ये 8 के बदले 7 आया है, मतलब एक बढ़ा एक घटा, एडजस्ट हो गया। और इसमें देखिए 7 के बदले क्या आया है, 7 के बदले 8 आया है और ये 6 है, मतलब आपका इसमें एक बढ़ेगा यानी 6 होगा। अगर आप नॉर्मली कीजिएगा 8 1 9 तो ये कैंसिल हो गया, 7 2 9 भी कैंसिल हो गया, तो ये 6 है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये 8 7 15 15 4 19 17 23 यानी कितना होगा, ये 5 होगा। अब देखिए ये 8 7 0 4 4 4 8 8 7 15 15 23 23 मतलब 5। अब देखिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए जो है इसमें भी आपका आया है डिजिटल सम 5, ऑप्शन ए में भी आपका 5 आया है, और आपका ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी में भी 5 आया है। तो ऐसा सिचुएशन कभी कभी एग्ज़ाम में आ सकता है जहां आप देखिएगा कि आपका दोनों जगह पे सेम डिजिटल सम आया, तो अब क्या कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ देखिए, इधर यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे तो इधर 6 है और इधर 32 जो है, 32 के यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो अल्टीमेटली दोस्तों क्या आ रहा है, 6 × 12 यानी ऊपर में मेरा जो यूनिट डिजिट है वो 12 आएगा, और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे 7 है। अब देखिए हम 7 के साथ क्या इंटू करेंगे कि इधर 2 आएगा। इधर देखिए जो यूनिट डिजिट है ये 6 है, 7 के साथ 6 इंटू करने से हम लोग जानते हैं 42 यानी 2 आता है, लेकिन इधर देखिए 7 के साथ अगर हम 4 इंटू करेंगे तो 4 7 28 यानी 8 आएगा, मतलब ये जो डी है ये नहीं होगा, होगा आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी एग्जाम में जानबूझ के ऐसा ऑप्शन देता है कि जिसमें आपका दो डिजिट, दो ऑप्शन का सेम डिजिटल सम है, तब आपको नेक्स्ट लेवल पे सोचना है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल यानी आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। अब यूनिट डिजिट चेक करना बहुत ही सरल है, अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए इधर 6 है यूनिट डिजिट और इधर क्या है ना, 2 है, 2^5 मतलब 32 यानी 2 है, तो 6 × 12। तो दोस्तों ऊपर में न्यूमरेटर में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, वो क्या है आपका 2 है, और नीचे जो आपका यूनिट डिजिट है वो क्या है, वो 7 है। अब देखिए 7 के साथ क्या इंटू करके यूनिट डिजिट में 2 आता है, तो ऑप्शन ए में हम देखेंगे 6 7 6 42 यानी 2 आता है, लेकिन ऑप्शन डी में ये 4 है, तो 4 इंटू करने से तो 28 आता है, मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ए होगा। तो आपको ये भी चीज़ जानना है, अगर दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम होता है तो हाउ टू प्रोसीड। देखिए जब आपको सीखना है तो पूरा सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तो जब सीखिएगा तो पूरा सीखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट
जो वीडियो था उसमें हम कुछ क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको दिए थे, तो ये उसके ऊपर आधारित है। इसका सोल्यूशन आज हम इसमें कर देते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है ये कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर आया था, और ये क्वेश्चन को आपको 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। अगर आप बैंक का एग्ज़ाम देते हैं, क्लैट देते हैं, कैट देते हैं, मैट देते हैं, एसएससी देते हैं, तो ये सब क्वेश्चन तो आने का बहुत चांस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 53% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 862 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 500। तो आपको क्वेश्चन मार्क में क्या है दोस्तों ये निकालना है। तो देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है इसमें परसेंटेज और डेसिमल मैटर नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें परसेंटेज और डेसिमल मैटर नहीं करता है। तो परसेंटेज जो है, परसेंटेज मतलब नीचे क्या है, अगर हम बोलेंगे 53% का मतलब होता है 53/100, यानी नीचे जो डिजिटल सम है वो क्या है, वो 1 है। तो डिनोमिनेटर का डिजिटल सम जब 1 रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इवन अगर हम 0.53 भी लिखेंगे दोस्तों तो ये क्या होगा ना, 53/100, यानी नीचे, यानी डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम है वो 1 ही होगा। तो मेरा डिवीजन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का जो डिजिटल सम है उसको तो 1 लाना है, तो ये ऑलरेडी 1 है। दैट इज़ वाई यू शुड रिमेंबर दैट डेसिमल एंड परसेंटेज डज नॉट हैव decimal and percentage have no impact on digital sum. Okay, so decimal and percentage do not have any impact on digital sum. तो इसको लेकर आपको घबराना नहीं है, तो आप परसेंटेज को भूल जाइए फिलहाल, पर बिना परसेंटेज इसको कीजिए। तो 5 और 3 क्या होगा दोस्तों, 8 है, और 2 1 क्या है, 3 है, 3 8 24 मतलब इधर क्या होगा दोस्तों, 6 है, 3 8 24 मतलब इधर 6, तो ये पार्ट में 6 आएगा, 5 और 2 7 into 8 2 10 6 16 मतलब 7 7 7 49 49 मतलब 4 plus 9 13, यानी क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए ये 7 है, 8 6 14 2 16 16 मतलब 7 7 7 49, 9 plus 4 13 13 मतलब 3 plus 1 4, तो इधर 4 आया है। तो देखिए दोस्तों अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली इधर आपका 6 plus 4। अब देखिए इस तरफ जो है इनटू, ये इधर नीचे आएगा तो नीचे 5 आएगा, तो 4 6 10 नीचे आएगा 5, अल्टीमेटली कैंसिल कीजिएगा तो 2, मतलब आपका वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों, डिजिटल सम 2 होगा। तो देखिए ऑप्शन 1 में 9 को 0 मान लीजिए, इधर 7 होगा, इसको 0 कर दीजिए, 8 और 6 14 14 यानी 5 होगा, इसको 9 को काट दीजिए, 8 8 16 16 3 19 19 मतलब कितना, 9 plus 1 10 यानी 1 होगा। अब देखिए दोस्तों 5 5 10 18 2 20 20 मतलब 2 होगा। तो देखिए मेरा क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है वो 2 था, जो केवल ऑप्शन डी में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन डी होगा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए 44% ऑफ 282 इनटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 868.56। तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या होगा ये आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये आपका जो है क्वेश्चन में 4 plus 4 क्या है, 8 है, इसमें 8 लिखिए, इनटू देखिए 2 plus 8 10 plus 2 12 12 मतलब 2 plus 1 3, इधर 3 है, और इधर जो है ये वाला आपका इस तरफ आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई देखिए इधर क्या हो रहा है दोस्तों, 5 6 11 11 8 19 19 6 25 25 8 33 यानी 6, नीचे क्या आएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा आपका 6। तो अल्टीमेटली देखिए इधर आपका 4 plus 4 8 8 2 10 2 12 12 मतलब 3, और इधर 8 6 14 14 8 22 5 27 27 6 33 यानी 6, तो नीचे 6 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको अगर आप काटिएगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 4 आएगा, तो अल्टीमेटली 4 आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो आपका 4 आ रहा है ये, इसमें आपको थोड़ा सा चीज़ ध्यान में रखना है, ये इतना सरल नहीं है जितना कि आपको लग रहा है, क्योंकि क्योंकि नीचे आपका देखिए 6 है, तो आप इसको ऐसे नहीं काटिएगा, इसको आप ऐसे काट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे अगर डिनोमिनेटर का डिजिटल सम, अगर डिनोमिनेटर का डिजिटल सम जो है वो अगर 6 होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका ऊपर और नीचे, इसका ऊपर और नीचे क्या करते हैं ना, 3 से डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है हम बताए थे 5 रहने से ऊपर नीचे 2 से इंटू होता है, 4 रहने से ऊपर नीचे 7 से इंटू होता है, 8 रहने से ऊपर नीचे 8 से इंटू होता है। लेकिन नीचे अगर 6 या 3 रहता है तो ऊपर नीचे उस फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, करके इसको छोटा करना पड़ेगा, और हम छोटा करेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे, नहीं तो ये गड़बड़ होने का चांस है। तो चलिए इसको 3 से फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, 3 से जब फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो ये 3 से काटेगा तो कितना होगा, 3 9 27 27 से 28 ये 94 होगा, और इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो देखिए दोस्तों 3 2 6 6 से 8 2 26 3 8 24 24 से 26 2 28 अगेन
ये 28 आ रहा है, यानी 3 9 27 और ये 3 5 15, 3 2 6 ये 289.52 होगा। अब दोस्तों आप कर सकते हैं, अब देखिए अगर आप डिजिटल सम कीजिएगा, ये 4 4 8 होगा इनटू ये 4 होगा, तो और इधर क्या रहेगा इनटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू इधर क्या रहेगा 9 को काट दीजिए दोस्तों, 5 2 7 2 9 को काट दीजिए, इधर देखिए 8 है। मतलब आप देखिए ये आपका क्वेश्चन मार्क में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क में आपका जो रहेगा ये अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए, ये तो क्वेश्चन मार्क इस तरफ है ना, क्वेश्चन मार्क अगर इस तरफ है तो ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, तो बात एक ही है, तो 3 8 आपका 24 24 मतलब 6 ही आ रहा है, तो आपको तो ऊपर नीचे 3 से काटना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क अगर इधर है तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या है इसके लिए, इस 8 के नीचे इसको बैठाना है, 8 बाई 8 इंटू 4, ये कट गया। अब नीचे 4 है मतलब क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 7 से इंटू कर देंगे, तो मेरा क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है वो 7 आएगा। मतलब ये क्वेश्चन मार्क में जो है उसमें आपको डिजिटल सम 7 आएगा। अब देखिए ऑप्शन ए में केवल 7 है और किसी में 7 नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए होगा आंसर। तो देखिए दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा केयरफुली करना है। अब हम आपको फिर से एक बार बताते हैं, ये जो क्वेश्चन है 44% ऑफ 282 इंटू आपको बोला है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 868.56। तो इसमें आपको क्या करना है देखिए, ये आपका 4 + 4 क्या है ना 8 है, इंटू 8 2 10 2 12 12 मतलब 3 इंटू इधर क्या है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू दोस्तों इधर क्या है 8 6 14 14 8 22 22 + 27 37 यानी 3। अब देखिए ये 3 8 क्या होता है दोस्तों 24 होता है, तो 24 मतलब क्या होगा 6। अब 6 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 6। अब देखिए जब क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 है। अब बहुत लोग क्या करते हैं इसको 6 बाई 6 काट के 1 करता है, दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नीचे जैसे ही आपका डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 6 आता है, फ्रैक्शन को क्या करना पड़ता है ना, बोथ साइड ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इधर 3 से डिवाइड ऊपर नीचे करेंगे मतलब इस साइड को भी करेंगे, इस साइड को भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे एक्चुअली, तो दोनों साइड को अगर आपको 3 से डिवाइड करना है तो इसको 3 से जब डिवाइड कीजिएगा 3 9 27 27 28 1 3 4 12 और इसको अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 2 6 26 है, 3 8 24 24 से 26 2, 3 9 27 3 5 15 3 2 6 ये 289.52 अब इसको हम 3 से काट दिए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा क्या रहेगा, ये 44% ऑफ 94 इनटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 289.52। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क में डिजिटल सम के एंगल से अगर हम लोग देखेंगे, ये कट गया, ये 5 2 7 2 9 कट गया, तो ऊपर में रहेगा 8 और नीचे क्या रहेगा ये 8 और ये 9 कट गया, 8 और 4 8 4 32 32 मतलब ये 5, 8 4 32 32 मतलब इधर 5 रहेगा, तो नीचे रहेगा आपका, नीचे क्या रहेगा दोस्तों ये 8 4 32 32 मतलब 5, तो समथिंग बाई फाइव। तो जब नीचे 5 रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं, ऊपर नीचे इसको 2 से इंटू करते हैं, तो ये 8 2 16 16 मतलब 7 और नीचे क्या है 5 2 10, तो ये 7 आ गया, मतलब आपका आंसर जो है ऑप्शन है वही होगा 7। अब देखिए इसको हम लोग 4 8 32 32 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 5 आएगा, तो ऊपर नीचे 2 से इंटू करना पड़ेगा, और पिछला बार जो हम लोग किए थे इधर ये 4 8 को हम डायरेक्टली डिवाइड किए थे, 4 8 32 32 मतलब आपका ये 8 8 कैंसिल हो गया, तो नीचे 4 था तो ऊपर नीचे 7 से इंटू किए थे, तो बात एक ही है, जैसे भी आप कीजिएगा आपका एक ही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये इसमें डेसिमल है। अब ये डेसिमल वाला क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें आपका दिया है 5.6 × 0.36 + 0.4 × 3.2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 0.8 × 2.1। अब देखिए दोस्तों पहले एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है मतलब ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, तो जैसे ही डिवीजन है आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जो मेरा डिजिटल सम है वो 3 6 या 9 में से कुछ आ रहा है कि नहीं। इसमें देखिए दोस्तों 8 है और इसमें 3 है, तो 3 8 24 24 मतलब 6 है, मतलब जी हाँ
अगर आप इसको इस तरफ लेकर जाइएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 6 मिलेगा। तो जैसे डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 6 आप चेक कर लिए है तो बोथ साइड को आपको 3 से डिवाइड करना है। तो चलिए 3 से डिवाइड करके इसको छोटा कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको 3 से डिवाइड करते तो ये क्या हो जाएगा 0.12, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0.14, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा 0.7। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों इधर क्या है 5, 6, 11 मतलब इधर 2 और 0.12 मतलब क्या है 3। तो ये 3 दुगुने क्या होगा 6 होगा प्लस दोस्तों ये 4 और 1 5 और ये 3 2 कितना होता है 5, 5, 5, 25 मतलब क्या होगा दोस्तों 7 होगा डिवाइडेड बाई, अगर ये नीचे आएगा तो देखिए दोस्तों ये 8 है और ये क्या है 7 है तो 7 × 8 56 मतलब 5, 6 कितना 11, 11 मतलब 2 नीचे आ गया 2। तो दोस्तों ये कितना है ये 6 और 7 अल्टीमेटली 13, 13 मतलब कितना हो गया 3 और 1, 4 डिजिटल सम की एंगल से अगर हम लोग देखें और ये 2 तो देखिए दोस्तों ये अल्टीमेटली क्या आएगा अल्टीमेटली 2 आएगा, 4 को 2 से काटिए 2 आएगा, नहीं तो ऊपर नीचे 5 से इंटू कीजिए तो भी 4, 5, 20 ऊपर में नीचे 10 फिर भी आपका 2 ही आएगा। तो देखिए दोस्तों आपका वही आंसर होगा जिसका सम ऑफ द डिजिट यानी डिजिटल सम 2 है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क में मेरा 2 आया है तो मेरा जो भी आंसर है उसका डिजिटल सम 2 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये 3 तो होगा नहीं, 1 तो नहीं होगा। अब ये 3/2 देखिए 3/2 नीचे अगर 2 रहता है तो ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग 5 से इंटू करते हैं तो ऊपर में 3, 5, 15 यानी 6 और नीचे 1 तो, लेकिन मेरा तो 2 चाहिए तो ये भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 2। आई होप यू हैड अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ यू सी 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 प्लस .. अप टू 8 टर्म्स, व्हाट विल बी द आंसर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट वाज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2017। नाउ यू सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट इन कन्वेंशनल वे इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी वेरी मच पेनफुल टू सॉल्व इट इन अ कन्वेंशनल वे। सो रादर इट इज बेटर टू सॉल्व इट यूजिंग डिजिटल सम। तो चलिए इसको डिजिटल सम यूज़ करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको डिजिटल सम में अब यूज़ कीजिएगा तो देखिए ये तो फ्रैक्शन है, तो जब फ्रैक्शन रहता है तो हमको ये पता है कि फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर और नीच दोनों का जो डिजिटल सम है उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको हमको नीचे जो है डिनोमिनेटर उसको हमको 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों इसका जो डिजिटल सम है ये 1/4, तो ये नीचे क्या है दोस्तों 4 है प्लस ये देखिए ये भी 4 है नीचे दोस्तों, ये भी नीचे 4 है, तो इसमें ऐसा 8 गो टर्म है सबका जो डिजिटल सम है नीचे 4 है। तो नीचे 4 होने से हम लोग क्या करते ऊपर नीचे 7 से इंटू करते, तो सभी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे 7 से इंटू करेंगे। तो जैसे भी हम इसको 7 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे दोस्तों नीचे सबका 4 × 7 = 28 यानी 8+2 = 1 हो जाएगा और ऊपर में आपका क्या हो जाएगा ऊपर में आपका 7 आ जाएगा। तो ऐसा कितना 7 है दोस्तों 8 ऐसा 7 है, तो ये 7 को अगर हम इसको 8 बार ऐसे लिखेंगे .. अप टू 8 टर्म तो ये कितना होगा दोस्तों ये 56 होगा। 7 × 8 कितना होता है 56 होता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा ये 56 होगा। तो अल्टीमेटली ये 5 और 6 = 11 मतलब डिजिटल सम कितना है 2। तो ये जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम होगा 2। अब हमको वही आंसर चूज करना है जिसका डिजिटल सम 2 होगा। तो देखिए ऑप्शन डी में अगर हम आते हैं तो 5, 2, 7, 2, 9 कट गया, 5 ये 5, 2, 7 और ये 2, 9 कट गया, तो अल्टीमेटली 5, 10, 5, 15 और 4, 20 20 यानी कितना है 2 है, 20 यानी 2 है। अब देखिए दोस्तों ये आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन में ये 2525 पॉइंट कितना है 5 है। तो देखिए इसमें फिर से एक बार देखते हैं इसको, ये कितना आ रहा है ये 5, 2, 7, 2, 9 इसको काट के 0 कर दीजिए, ये 5, 2, 7 और 2, 9 इसको भी काट दीजिए, तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा 3, 5, 15 15 मतलब 5 और 1 6 ये 6 आएगा दोस्तों, ये 6 है। और ऑप्शन सी में आइए, ऑप्शन सी में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 8, 40, 2, 42 मतलब इसका भी आपका 6 आ रहा है। देखिए कितना 5 है 8 × 5 है 5, 8, 40 और 2, 42 यानी 6 है। अब इसमें देखिए 7 और 2, 9 कैंसिल हो गया, अब कितना 7 बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 42 और 5
कितना 42 और 5 47 यानी 47, 47 मतलब 7 और 4 11 यानी इसमें कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें देखिए 7 2 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इसमें कितना है, इसमें आपका रहेगा 5। तो आपका जो क्वेश्चन है इसका डिजिटल सम 2 था, तो आपका केवल ऑप्शन बी जो है इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है इधर, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको जब ऑप्शन का डिजिटल सम आप निकालिएगा, थोड़ा ध्यान से निकालिएगा, कभी कभी जो है डिजिट बहुत ज़्यादा डिजिट रहता है तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत प्रेशर रहेगा। आप घर में बैठ के कर रहे हैं तो आपका एक प्रेशर है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाके कर रहे हैं तो आपका माइंड पे और भी बहुत सारा प्रेशर रहेगा, तो आप थोड़ा कंसंट्रेशन रख के इसको कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और क्वेश्चन थोड़ा टफ भी था, लेकिन इसको अगर आप कन्वेंशनल मेथड में कीजिएगा तो आपका डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से करने से आपका देखिए ऑप्शन बी, दैट्स विल बी योर राइट आंसर। तो ये था दोस्तों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग डिजिटल सम का पार्ट 2 देखे हैं, जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद डेफिनेटली आप बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा। और अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल सम, क्योंकि डिजिटल सम आज हम लोग सीखे हैं, डिजिटल सम का डिवीजन देखे हैं, अब इसका लिमिटेशन कहाँ, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। कोई भी शस्त्र आप चलाना सीखोगे तो उसका लिमिटेशन भी आपको सीखना पड़ेगा, कहाँ आप इसका प्रहार नहीं करोगे, तो ये भी एसेंशियल है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ डिजिटल सम। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, सबाई भालो थेको, थैंक यू।